हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इग्नाइट गैलेक्सी। स्टूडेंट्स, आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दो एटम्स के बीच में होगी जो होमो एटॉमिक हों, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो या सेम हो। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्लोरीन एटम उस एक इलेक्ट्रॉन को आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं और दोनों एटम्स का आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वन बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि इस एक बॉन्ड को हम एक सॉलिड लाइन से शो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं तो तब आपके पास दो बॉन्ड्स बनते हैं जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, और डबल बॉन्ड स्ट्रांगर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड के। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन एटम के बीच में बनता है। नाइट्रोजन एटम को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने पड़ते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इट मींस थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तीन बॉन्ड्स जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये इस तरह से